ग्रानो कतन को पखेर अगली अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरिशा नसीर। मैं हूँ शनास। ये मेरी अम्मी है और आज हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड में माइक लगा लूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये रेड सूट, रेड कलर का। इसकी डिटेल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का सूट है। अच्छा, ये मेरा रेड ड्रेस है, इस पे ये प्लास्टिक के शीशे लगे हुए हैं। ये इसका गला है लेकिन गला इसका बना नहीं हुआ, इसके लिए मैं खुद एक गला डिज़ाइन करूँगी। लेकिन ये सारी शर्ट पे जो है ना, ये शीशे लगे हुए हैं। ये इसका शेफून का दुपट्टा है, ये भी बहुत प्यारा दुपट्टा है। और ये मैंने इसकी पीको कराई है, इस पे भी शीशे लगे हुए हैं सारे। ये मैंने शॉपिंग वाली वीडियो में उसमें दिखाई भी है, जब वो दिखा रहे थे ना शॉप में, तो ये ड्रेस, ये बहुत प्यारा कलर है लेकिन वीडियो में यार बहुत अजीब सा कलर आ रहा है, लेकिन बहुत प्योर सा रेड कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत पसंद आया। एक मैंने ये पिंक कलर का ड्रेस लिया है, इसकी भी डिटेल वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का सूट है। ठीक है, ये एक पिंक कलर का है। अच्छा, ये मेरा पिंक ड्रेस है, इसके गले पे भी सारा काम हुआ है, थोड़े से सितारे भी लगे हुए हैं, पता नहीं वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं। और ये भी बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर है। और ये भी लॉन का सूट है, लॉन के सूट भी आजकल इतने महंगे हो गए हैं तौबा। और ये बता दो, 6,500 कर रहे थे लेकिन फिर इन्होंने मुझे 4,500 के दिए हैं, मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की है। और इन्होंने हाँ मेरे चैनल का नाम भी जो है वो देखा है, तो फिर उन्होंने चैनल की वजह से भी उन्होंने मेरे साथ कंसेशन किया। ये इसकी सिंपल शलवार है और ये इसका दुपट्टा है, इसके लिए मैंने सिंपल ईपी को करवाई है। एक मिनट फोकस हो जाए, अच्छा फोकस नहीं हो रहा मोबाइल। हाँ, ये सिंपल इसकी इसका दुपट्टा, इसके दुपट्टे भी काम हुआ है। इसके दुपट्टे जो मैंने लिए हैं ना, बहुत मुझे पसंद आए क्योंकि ये दुपट्टों पर भी काम हुआ है, जैसे सितारा और ये कढ़ाई हुई है ना शर्ट पे, तो ये इसी तरह दुपट्टों पर भी हुई है। अम्मी की भी इसी तरह से हैं, दुपट्टे पर भी काम हुआ है और शर्ट्स पर भी काम हुआ है। तो बहुत ही प्यारे सूट हैं और इनकी यार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कपड़ा ज़्यादा होता है। मैं आस्तीनों के लिए परेशान रहती हूँ क्योंकि मेरी आस्तीनें पूरी नहीं होती, मेरे हाथ थोड़े लंबे हैं तो मेरी हाइट भी लंबी है, फिर शर्ट छोटी आ जाती है, तो इनके कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मेरी जो है ना इससे अच्छे आ जाते हैं, वरना हर एक दुकान में जो है ना इतना अच्छा कपड़ा फिर नहीं मिलता। ये मैंने शादी के लिए भी जो वो है गुलाब ट्रेड सेंटर है 50% उससे शॉपिंग की थी, और 50% नवीद की शॉप से मैंने शॉपिंग की थी। तो ये है डिटेल वीडियो। अम्मी अब आप दिखाएं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको प्राइसेस भी बताती हूँ। ये रेड कलर का जो है मुझे 4,500 का मिला है, और ये मुझे नवीद शॉप से मिला है, और ये गुलाब शॉप से मिला है, ये भी 4,500 का मिला है। हम ये आप दिखाएं बस ना। ये सूट मैंने लिया है गुलाब से 4,500 का। माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी करो जल्दी करो। ये भी मैंने लिया है गुलाब से 4,500 का। दूसरा वाला भी दिखाएं। ये मैंने लिया है सिंपल सा, सिंपल सिंपल टू पीस लिया। ठीक है, ये मैंने टू पीस लिया। अच्छा अभी मैंने जो है ये कुछ मैंने टू पीस का मिल रहा था, तो मैंने इसकी सिर्फ शर्ट्स ली है, इसकी भी डिटेल मैं दिखाती हूँ। एक ये शर्ट मैंने ली है येलो कलर की, और ये उन्होंने मुझे 700 की एक शर्ट दी थी, और ये बटरफ्लाई की है, ये भी 700 की थी लेकिन उन्होंने फिर कम कर लिया था, 600 की एक शर्ट दे दी थी। और ये फिर मैंने एक दुपट्टा लिया, दोनों के साथ मैच करके पहनूंगी। ये जो है ना 400 का एक स्टोलर मैंने लिया है, और साथ में मैंने ये एक ब्लैक कलर की सिंपल शलवार ले ली है, दोनों के साथ चलाऊंगी। और इसके अलावा जो मैंने लिया है ये मेहंदी, मैंने आपको शॉपिंग की वीडियो में दिखाई भी थी, जो दुकान था जहाँ पे ये लगी हुई थी, हैंग पड़ी हुई थी ये। ये मुझे मिली है, ये एक
ये दोनों हाथों की जो है ना मुझे मिली है 200 की, ये एक शीट मिली है, और ये छोटे छोटे हाथों की मिली है, ये मेरे नीसेज हैं उनके लिए मैंने ली है, और ये जो है ना एक जो है 80 का मिला है, और इसमें एक ये साइड है और एक ये साइड है, मतलब दो साइडों के हैं, और इसमें भी एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दो साइडों के स्टिकर हैं। तो ये मुझे एक जो है 80 का मिला है, दूसरा भी 80 का मिला है, और ये मुझे एक कैचर चाहिए था, तो ये भी आई थिंक, हाँ ये भी 80 का मुझे मिला है। और इसके अलावा हाँ, क्लिप्स मेरे पास बहुत थी लेकिन वो मैं ससुराल में छोड़ के आ गई, तो इमरजेंसी के लिए मुझे चाहिए थी, तो ये दो मैंने ले ली थी, और ये मुझे 30 रुपीज़ की मिली है। उफ, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लॉन्ग की सूट भी आजकल जो है ना बहुत महंगी मिल रहे हैं। और ये मैंने कुछ वो लिए हैं, मास्क लिए हैं, ये है एक, ये 100 के दे रहे थे, मैंने ज्यादा लिए तो फिर उसने एक मास्क जो है ना 80 का दिया है, एक ये है, और एक मैंने पहना हुआ भी है, एक ये है, और ये सिंपल वाले हैं, ये ग्रे कलर का है, ब्लू है, और ब्लैक है, वाइट है, और ये पिंक है। तो बस यही चीज़ें मैंने ली थी, और ये इतनी थोड़ी सी चीज़ें ली थी, और इतना ज़्यादा जो है ना इतनी बड़ी ज़्यादा ज़्यादा कीमतें, और इतना ज़्यादा हमारा ख़र्चा हो गया था। अम्मी आपको कैसा लगा शॉपिंग करके? बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया। या फिर जाएंगे? फिर जाएंगे इंशाल्लाह। कब जाएंगे? पता नहीं, ये जब पैसे आएंगे जब पैसे आएंगे तो हम फिर जाएंगे और फिर से पैसे उड़ा के आएंगे और शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं अब कोशिश करूंगी कि डेली जो रूटीन होती है हमारी, डे टू डे रूटीन होती है, वो आपके साथ शेयर करूँ। कल मैंने मेहंदी लगाई है, इसकी भी इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी, मैं शॉर्ट्स में लगाऊंगी कि मैं किस तरह से लगाई है, बहुत प्यारी लगी है, मैंने सफाई के साथ लगाई है, क्या मैंने टेक्निक्स यूज़ किए हैं। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये आपने स्टिकर लगाई है, तो ये स्टिकर नहीं है, मैंने ये मेरी हाथ की सफाई है मुझे इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं दिल से लगाती हूँ मेहंदी तो वो बहुत प्यारी लग जाती है, और कभी कभी दिल नहीं होता तो ईद में मैंने बहुत बड़ी गंदी गंदी लगाई थी। तो अच्छा, ये हमारी वीडियो थी शॉपिंग के बारे में, इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी कि हमने कोकहाट गए थे, मियां खेल बाज़ार में सारे शॉप्स की वीडियोज़ डिटेल में मैंने बनाई थी कि कहाँ कहाँ हम घूमे हैं और नेम्स क्या थे, तो अभी मैंने दिखाई है कि हमने खरीदा क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको शॉप्स की शॉप्स दिखाई हैं जहाँ से मैंने ख़रीदे हैं कोहाट मियां खेल में। आज हमारे घर में कपड़े धुले हैं, मशीन लगी हुई थी तो वो कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे पापा जी के कपड़े लटके हुए हैं। अच्छा, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ, ताकि मेरी ऑडियंस बढ़ जाए और मैं खुश हो जाऊँ। और एंड यस, अर्निंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड 2 years ago, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दी थी, मेरा दिल नहीं करता था वीडियोस बनाने को। अब मैं फिर से एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, और मैं जो है ना आजकल ट्राई करती हूँ कि कोई कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए, और वीडियो इतनी अच्छी लगे कि आप ख़ुद दिल से जो है ना वीडियो शेयर करें, ताकि ऑडियंस मेरी बढ़ जाए। तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।